दोस्तों आखिर क्या हुआ जब देवराज इंद्र ने कर्ण के कवच पर चलाया अपना महाप्रलयंकारी वज्रास्त्र? क्या इंद्र का वज्रास्त्र कर्ण के कवच को भेद पाया? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। दोस्तों कर्ण कभी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं रहते थे। उनका यह मानना था कि बलवान को कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कमजोर लोगों पर नहीं करना चाहिए। इसलिए जब कर्ण ने यह देखा कि धरती के लोग सूखे से मर रहे हैं और आसमान में बैठे इंद्रदेव उनकी पीड़ा को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत ही अपने गुरु से आज्ञा मांगी और उनके आदेश पर इंद्रदेव जैसे देवता तक को चुनौती देने से पीछे नहीं हटे। अब कर्ण बिना डरे पर्वत पर चढ़कर इंद्रदेव को चुनौती देने के लिए अपने तीरों की वर्षा करने लगते हैं। अब इंद्रदेव इससे बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कर्ण के सामने उपस्थित होते हैं। अब कर्ण के मुख पर तेज और उसका ज्ञान देखकर भगवान इंद्र भी हैरान हो जाते हैं और उससे उनकी जाति और कुल पूछते हैं। अब इस पर कर्ण उन्हें कहते हैं कि न ज्ञानियों से उनकी आयु और ना ही वीरों से उनका कुल पूछा जाता है, क्योंकि वीरों का बाहुबल ही उनकी जाति होती है। अब इतना कहते ही कर्ण इंद्रदेव को यह कहते हैं कि वह एक आखिरी बार इंद्रदेव से बारिश करने का निवेदन करेंगे और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कर्ण उन्हें चुनौती देने से पीछे नहीं हटेंगे। अब यह सुनते ही इंद्रदेव को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहते हैं कि वर्षा उनके अधीन है जिसे वह मुफ्त में धरती वासियों को बांटते हैं, पर अब उन्हें ऐसा लगता है कि धरती वासी मुफ्त में मिल रही इस वर्षा का आदर करना भूल गए हैं। इसलिए वह धरती में तब तक बारिश नहीं करेंगे जब तक धरती वासी सही तरीके से उनका सम्मान नहीं करने लगेंगे। अब इस पर कर्ण कहते हैं कि सम्मान तो प्रेम से मिलता है देवराज, ना कि ताकत का गलत इस्तेमाल करके। अब यह सब सुनकर भी इंद्रदेव अपनी बातों पर अड़े रहते हैं और उनका आदेश ना मानने वालों पर वज्र का प्रहार करने की धमकी देते हैं। अब इतना सब सुनकर कर्ण आखिर बोल पड़ते हैं कि महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां उन्हें वज्र बनाने के लिए दी थी ताकि वृत्रासुर जैसे असुरों का नाश हो, ना कि निशस्त्र प्रजा का। अब कर्ण की यह बात सुनकर इंद्रदेव अपने क्रोध को रोक नहीं पाते और कर्ण की विद्या का उपहास बनाने लगते हैं। अब इतना सब सुनकर कर्ण भी कहां पीछे रहते, उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि आपको आपके शस्त्र दान में मिले हैं जबकि मैंने अपने शस्त्र अपने दम पर अर्जित किए हैं। अब इंद्रदेव के क्रोध का बांध टूट चुका था और उन्होंने पूरी धरती को अंधेरे से घेर लिया। अब अपने चारों ओर अंधेरा देखकर कर्ण मुस्कुराने लगे और अपने गुरु के मार्गदर्शन से चक्षुमास्त्र नाम के अस्त्र का प्रयोग करके अंधकार को मिटा देते हैं। अब यह देखकर इंद्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वे कर्ण पर और भी भयंकर अस्त्रों से प्रहार करने लग जाते हैं, लेकिन कर्ण उनके हर प्रहार को विफल कर देते हैं। अब इसी चुनौती के दौरान जब कर्ण इंद्र पर इंद्रास्त्र का प्रयोग करते हैं तो इंद्र को क्रोध में आकर अपना वज्र चलाना ही पड़ता है। अब इंद्र जैसे ही अपने वज्र से प्रहार करने लगते हैं वैसे ही वे देखते हैं कि कर्ण ने श्यामा वस्त्र जो कि महादेव का दिव्यास्त्र है उसे अपने धनुष में धारण कर लिया है। अब इतना सब देखने के बाद इंद्र समझ जाते हैं कि श्यामा वस्त्र पर वज्र से प्रहार कर महादेव को रुष्ट नहीं कर सकता, इसलिए वह आखिरकार अपनी हार मान लेते हैं।
अब कर्ण की विद्या को देखकर इंद्र दोबारा उससे पूछते हैं कि आखिर वह कौन है और उनके गुरु कौन है। इतने में ही वहां भगवान परशुराम प्रस्तुत हो जाते हैं, जिससे इंद्र समझ जाते हैं कि वही कर्ण के गुरु हैं और परशुराम से अपनी उद्दंडता और अहंकार के लिए वह आखिरकार क्षमा मांगते हैं। अब पराजित हुए इंद्र अंततः अपने मेघों को वर्षा करने का आदेश देते हैं और वहीं परशुराम कर्ण की विद्या अर्चना से बहुत खुश होते हैं। अब परशुराम, जिन्होंने कर्ण को इंद्रदेव तक को पराजित करते हुए देखा था, उन्हें यह विश्वास हो गया था कि अब कर्ण ब्रह्मास्त्र की दीक्षा के लिए तैयार है, इसलिए उन्होंने कर्ण को ब्रह्मास्त्र की दीक्षा देने का वचन दे दिया और साथ ही यह घोषणा भी कर दी कि कर्ण से बड़ा धनुर्धर इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।